करती हुई पुष्कर राज से। अब मैं नैना कुमारी को बुलाना चाहूंगा। नैना कुमारी आइए। जोरदार ताली भाइयों बहनों, नैना कुमारी पुरस्कार ग्रहण करते हुए इन्होंने भी इस वर्ष दसवीं की कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए मोहम्मद मुफीद आलम। मोहम्मद मुफीद आलम आइए। जोरदार ताली भाइयों बहनों, जोरदार ताली से इनका हौसला अफजाई करें। मोहम्मद मुफीद आलम। अब मैं उषा कुमारी को बुलाना चाहूंगा। भजन संध्या के कार्यक्रम में अभिन्न योगदान उषा कुमारी आइए। उषा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ प्रसाद शाह ज्वेलर्स राजनगर, जिनके ओर से हर एक वर्ष हमारे जो भी बच्चे दसवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। नैना कुमारी आइए, भजन संध्या में इनका भी अभिन्न योगदान, उसके लिए इनको फिर से पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार ताली हो जानी चाहिए भाइयों बहनों। और हर एक वर्ष इनका सहयोग हम लोगों को मिलता है, मिलता आ रहा है। और बच्चों के हौसला अफजाई में लगे रहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अमरनाथ प्रसाद शाह ज्वेलर्स से कि बच्चों के हौसला अफजाई में दो शब्द कुछ कहें। धन्यवाद। भारत मात विजय हो, विजय हो। तू शुद्ध, तू बुद्ध, तू प्रेम आगार। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। आवे पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी। आवे पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी। सरिता सरोवर में बहता प्रणय हो। आज जठी ग्राम में मैं 4-5 साल से आ रहा हूं और आप लोगों की ये व्यवस्था, उत्साह, बच्चे लोगों को उत्साहित करने का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए यहाँ उपस्थित जितने भी सज्जन वृंद हैं, भाई बंधु, माताएं, बहने, सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो इस तरह का कार्यक्रम इस ग्राउंड में करते हैं और बच्चे लोग को जो प्रोत्साहित करते हैं, यही बच्चा आगे चल करके देश का भविष्य होगा, देश का कर्णधार होगा। मैं बच्चों लोग से कहूंगा कि आप भी कड़ी से कड़ी मेहनत करें, अपने माता पिता का नाम को उजागर करें, इस गांव के नाम को इस जिले में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़ावे, यही हमारी शुभकामना है। कहते हैं विद्यार्थियों के लिए काग चेष्टा बको ध्यानम, कौआ के समान चेष्टा करनी चाहिए, चेष्टा रखनी चाहिए। श्वान निद्रा तथे बचा। श्वान मतलब हुआ कुकुर, कुत्ता, कुत्ता के समान नींद होना चाहिए विद्यार्थी लोग को। अल्पहारी गृह त्यागी,
नींद कम कैसे आएगी, तो उसके लिए खाना पीना पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, भोजन को भोजन नहीं समझना पड़ेगा, अल्पाहार करना पड़ेगा, अल्पाहारी गृह त्यागी, घर द्वार को त्यागना पड़ेगा, माया मोह को त्यागना पड़ेगा, और विद्यार्थी पंच लक्षणम, यही विद्यार्थी का पांच लक्षण है। जो विद्यार्थी पांच लक्षण को अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर धारण कर लेगा, वह विद्यार्थी विश्व विजयी होगा। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं जब विद्यार्थी लाइफ में था तो हमारे दो छोटे छोटे भाई थे जो दुकानदारी में वो नहीं कर सकते थे, और दो बड़े भाई थे वो एक तो करते ही नहीं थे, एक थे और दुकान में अपार भी रहती थी। बाबूजी बार बार कहते थे, बाबा तुम दुकानदारी नहीं चलाओगे तो दुकानदारी खराब हो जाएगा, तुम अपना आपको समझो भाई, में हम अकेला हैं, और आपको मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ाई के साथ साथ दुकानदारी भी करता था। 4 बजे सुबह में उठता था, मैं उस दिन की घटना बता रहा हूं, मैंने कम से कम 50 बार प्रयास किया होगा जो मैं कहीं हॉस्टल में जाके पढ़ूं, लेकिन मजबूरियां थी मेरे पास। 4 बजे सुबह में उठता था, कड़ाके की ठंडी पड़ती थी, और मधुबनी जाता था ट्यूशन पढ़ने, मधुबनी से 7 बजे तक वापस आता था, स्नान ध्यान करके, दुकानदारी को झाड़ पोछ करके, फिर स्नान, फिर उसके बाद तिजोरी खोल करके दुकान पर बैठता था, तब सब लोग आते थे दुकान पर, और सुबह से लेके 10 बजे 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक दुकानदारी करता था, और फिर जिस उसके बाद मौका मिलता था हमको तो 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ता था रात में, या नहीं तो ट्यूशन जाने से पहले उठता था 2 घंटा पहले, और उसके बाद होमवर्क तैयारी करता था और फिर मधुबनी जाता था। ताली ताली ताली। विद्यार्थी लोग, आपके गार्जियन बड़ी कड़ी मेहनत करके आपको इस मुकाम तक लाते हैं, पढ़ाई का खर्च, भोजन का खर्च, स्कूल का खर्च, कपड़ा का खर्च, इंटरटेनमेंट का खर्च, और गार्जियन कितना मेहनत करके अपने बच्चे लोग को सोचते हैं जो हमसे भी अच्छा करे, हमसे भी आगे बढ़े, और अगर आप नहीं करते हैं तो उस गार्जियन को कितना तकलीफ होगा जो मैं इतना मेहनत करके, मजदूरी करके बच्चों पर इतना खर्च किया, वह बच्चा मेरा नालायक निकल गया, बुर्बक निकल गया, जो भर दिन घूमता रहता है, टाइल पुली खेलता है। भाई यही समय है आपके पढ़ने लिखने का, आपके आगे बढ़ने का। कहते हैं सुख चाहने वाले को विद्या, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख की कामना छोड़ देनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, फोटो आके पिताजी को दे, विद्वान की पूजा अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में, उस समय भारत गुलाम था, फोटो वहां का देख लेला,
और उस समय शिकागो में विश्व सम्मेलन हुआ और स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। और स्वामी विवेकानंद जी इतने बड़े विद्वान थे कि वहाँ 2 मिनट का